शब्दों में रिश्तों की कहानियाँ बयां करती हूँ, मैं रिश्तों की कश्ती में सफ़र किया करती हूँ। दोस्तों, रिश्तों के धागों में बंधी मेरी कहानियाँ, जिनमें आप मिलते हैं खुद से, अपने अपनों से। दोस्तों, आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी अपनी लिखी कहानी एक रास्ता और भी। आज अमित पूरे 15 बरस का हो गया है। मैं कभी उसकी उम्र में यूं ही दोस्तों के साथ हुआ करता था। जब भी अमित को हंसता खेलता देखता हूं तो अपने दिन याद आ जाते हैं। पापा पापा, मैं बंटी के साथ मार्केट जा रहा हूं। हाँ जाओ, लेकिन संभल कर। हाँ पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूं। हाँ मैं जानता हूँ बेटा। आदित्य, आपने अमित को कुछ ज्यादा ही छूट नहीं दे दी। अरे कहाँ नेहा, अभी तो बच्चा है। अब वो बच्चा नहीं है। अच्छा, तो बड़ा हो गया है और मैं और तुम बूढ़े। आदित्य, आपको हर वक्त मजाक ही सोचता है ना? ऐसा नहीं है नेहा, मैं तो बस उसे उसकी ज़िंदगी जी लेने देना चाहता हूँ। कभी मैं भी उस दौर से गुज़रा था जब बाऊजी मुझे समझाया करते थे, लेकिन उनकी बातें इस कान से सुनकर दूसरे कान से हमेशा मैं निकाल दिया करता था, और उसका खामियाजा आखिर मुझे भुगतना पड़ा। मैं चाहता हूँ फिर भी वो रात भूल नहीं पाता हूँ। पापा, माँ, आप अभी तक बातें ही कर रहे हो? चलो ना, खाना खाते हैं। हाँ भाई, चलो चलो। अमित, अब तो तुम बड़े हो गए हो, फोन चलाते हो, दोस्तों के साथ घूमने भी जाते हो, लेकिन बेटा तुम्हारे दोस्त और भी कुछ आते रखते होंगे ना? हाँ पापा, लेकिन मैंने उन्हें साफ कह दिया, मैं इन सब में तुम लोगों का साथ नहीं दे सकता। आज जब बंटी ने बर्थडे पार्टी के लिए कहा तो मैंने उसे घर पर ही इनवाइट किया पापा। उसने कहा था कि हम कहीं बाहर पार्टी करते हैं, लेकिन पापा मैंने उसे साफ मना कर दिया। अमित की बातें सुनकर मैं एक बार उन्हीं यादों में फिर खो गया था, जब बाबूजी को बिना बताए अपने दोस्तों के साथ उनकी जिद पर उनके पीने पिलाने की पार्टी में शामिल हो गया। वो मेरी भूल थी जो मुझे आज तक खलती है, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है। उसने ऐसा नहीं किया, उसने मना करना सीख लिया जो उसके पापा नहीं सीख पाए थे। आई एम प्राउड ऑफ यू अमित, कहते हुए आदित्य का गला भराया। बस इतनी सी है ये कहानी। दोस्तों, आज इस कहानी के जरिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक अच्छी और खुशनुमा लाइफ के लिए हमें कई बार ना कहना पड़ता है। अगर ना कहने से हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं तो ना कहना अच्छा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।